starting the second part. Here it says how many three digit even numbers can be formed from the digit 1, 2, 3, 4, 5, 6 if the digits can be repeated. तो यहाँ पे हमें बोला गया कि डिजिट्स हमारे रिपीट हो सकते हैं. तो रिपीट होने का मतलब क्या है? थ्री डिजिट नंबर है तो पहली बार पहली प्लेस खाली, दूसरी प्लेस खाली, तीसरी प्लेस में क्या आ सकता है हमारे पास? या तो थ्री, तीसरी प्लेस में टू आएगा, या तो फोर आएगा, या तो सिक्स आएगा. तो कितने डिजिट्स ले सकते हैं यहाँ पे जगह? एनी थ्री आउट ऑफ टू, फोर और सिक्स. पहले में कितने आ सकते हैं? छः. दूसरे में कितने आ सकते हैं? छः. तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे? फर्स्ट प्लेस में तो एनी सिक्स यू कैन प्लेस, और यहाँ पे बोला हुआ था ना क्योंकि डिजिट्स कैन बी रिपीटेड. सेकेंड में भी एनी सिक्स कैन प्लेस, थर्ड में एनी थ्री कैन प्लेस. तो सिक्स इंटू सिक्स कितना हो गया आपका? इट वुड बी 36, और 36 इंटू थ्री कितना हो जाएगा आपका? इट विल गिव यू 108 एज द थ्री डिजिट इवन नंबर्स.